जिस जगह पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर किसी की जान जा सकती है। नेशनल खेला आपने? हाँ। कितने नेशनल खेले? एक ही खेला अभी? एक ही खेला। तो मेडल लिया? हाँ। जो ऑफिशियल जिनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो आगे कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, ये तीर लग जाएगा जी किसी को, आप साइड पे कर लो। साइड पे हम कहाँ करें, हमें अलॉट है ये ग्राउंड। ये ग्राउंड तो एक्चुअली आर्चरी के लिए अलॉट हुआ ना। आज ये 11 साल का है, जब ये 22 25 30 साल का हो जाएगा शायद ओलंपिक खेल रहा हो। ये ओपन में प्रैक्टिस करना, इसको क्या माने? ये बहुत खतरनाक है जी। देखो ये किसी की जान जा सकती है। एरो है ये, एरो है ये, जब एक बार एम से ये बो से निकल जाएगा तो बट ऑफ ये आप समझ सकते हो ये शूट हो गया ना, ये तो गोली की तरह है। गोली की तरह है। बिल्कुल, जब ये टारगेट को हिट करता है पार हो जाता है, इंसान को लगेगा तो आर बिल्कुल आर पार हो जाएगा सर, ये गोली की तरह लगेगा। और जान चली जाएगा मतलब ये नहीं है कि कल आके आप ये इनका गेम ही बंद कर दो। ये भी याद रखना, आपको इस ग्राउंड में से नेट प्रैक्टिस में क्रिकेट आप कर सकते, जो भी अलाउड है यहाँ पे। ये ओपन में क्रिकेट अलाउड नहीं है, ये हो रहा है यहाँ पे। काउंसिल का ग्राउंड है, काउंसिल वाले क्या करते हैं हफ्ते में 2 बार इस ग्राउंड को बिजी कर देते हैं। बिजी कर देते हैं, बेच देते हैं। देहरादून में हमारे बबच्चे गए हैं जिसमें हमने कम से कम 8 मेडल लिए हैं। पेरेंट्स ने कैसे अरेंज किया, हम अपने खर्चे पे गए। हैरान हूं मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हुए, कितना झूठ कितना सच। गर्व भी है ये रिपोर्ट करते हुए और शर्म भी आ रही है उन लोगों पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बच्चे यहां पर आप देख रहे हो, आर्चरी जिस गेम का नाम है तीरंदाजी, ये सब नेशनल प्लेयर हैं, ये सब नेशनल प्लेयर हैं। और इस साल 2023 में 17 मेडल इन्होंने जम्मू कश्मीर के हिस्से में लाए हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल जम्मू कश्मीर के आर्चरी में आए हैं। ये तो हो गई गर्व की बात, ये तो हो गई इनकी मेहनत की बात। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिस जगह पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर किसी की जान जा सकती है, एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इस वक्त मैं ग्रीन फील्ड में हूं, ग्रीन फील्ड पार्क में, और ये ओपनली इन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं और यहां पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके पीछे आप देख सकते हो क्रिकेट का मैच चल रहा है, हालांकि ये यहां पे अलाउड नहीं है क्रिकेट का मैच। गवर्नमेंट ने, उनके पास जगह कोई है नहीं। आप ध्यान दीजिए इस बात पर, 17 मेडल इन बच्चों ने अर्न किए हैं अपनी मेहनत के साथ, लेकिन इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जगह नहीं है यहां प्रैक्टिस कर सके। और मुझे यह भी पता चला है कि जब इन्होंने नेशनल खेलने जाना था, सिर्फ 5-6 दिन का समय बचा था, जब एक ग्राउंड में ये पहुंचते हैं प्रैक्टिस के लिए, इनसे ये कहा जाता है कि ये ग्राउंड तो जनाब क्रिकेट के लिए बुक हो गई है, यहां कोई बड़े अफसर क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इन बच्चों ने प्रैक्टिस तक नहीं की 5 दिन, क्योंकि इसी ग्राउंड में कुछ बड़े अफसर क्रिकेट खेलने आ रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पहले इस नन्हे खिलाड़ी से बात कर सकता हूं। आपने नेशनल खेला है? यस। नेशनल खेला है, क्या नाम है आपका? परमजोत सिंह। परमजोत सिंह, मेडल मिला आपको? यस। कहां गए थे? उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून में। आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ। फिफ्थ में। फिफ्थ का एक बच्चा जिसने अपने राज्य के लिए, अपनी यूटी के लिए मेडल अर्जित किया है, कमाल है। क्या करना चाहते हो बड़े होके? बड़े होके मैं स्पोर्ट्समैन। यस, स्पोर्ट्समैन बनना है। ये आप खुले में ही प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे? यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो सकता है कोई पीछे। मेरे को भी लगा हुआ है यहाँ पे एरो। लगा हुआ है, मेहनत करो। आप देखिए, आज ये 11 साल का है, जब ये 22 25 30 साल का हो जाएगा शायद ओलंपिक खेल रहा हो या बड़ी गेम का हिस्सा हो। आपका नाम क्या है बेटा? अभिराज। अब आप भी खेलते हो? नहीं, मेरे पास अब मेरा भी बो नहीं आया। क्या नहीं आया? बो। अच्छा, बो नहीं आया आपका? अभी आना है। अभी आना है? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर आप प्रैक्टिस करते हो अब? हाँ? करते हो? बोर्ड वॉक करता हूँ, रबड़ करता हूँ, बड़ा कुछ करता हूँ। ठीक है ठीक है। ये कुछ बच्ची हैं यहाँ पर, इन्होंने नेशनल में मेडल अर्जित किए हैं। आपका नाम क्या है बेटा? भव्या। भव्या, आपका नाम क्या बेटा? मान्या। भव्या, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? 11 मंथ्स। नेशनल खेला आपने? हाँ। कितने नेशनल खेले? एक ही खेला अभी? एक ही खेला। तो मेडल लिया? हाँ। किसको हराया, किस स्टेट को?
बहुत सारी स्टेट्स थी, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट उन्हें हराया। तो बहुत सारे उनको हरा कर फिर आपके हाथ में मेडल आया। हाँ। कितने देर प्रैक्टिस करते हो आप? हम 2 घंटे दिन में। 2 घंटे यहीं पे करते हो आके ग्रीनफील्ड में? हाँ। लेकिन ओपन में ही करते हो ऐसे? ओपन में ही करते हैं। ये रिस्की भी है, एक्सीडेंट हो सकता है। आपका नाम क्या बेटा? मान्या। मान्या कौन सी क्लास में है? 8th। 8th में। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? रिसेंटली मुझे 1 ईयर हुआ है। नेशनल खेल लिया? हाँ। मेडल लिया? यस। यहाँ कुछ चीजें दिखानी बहुत जरूरी हैं। ये शर्म की बात है कि ये इन लोगों के पास जगह ही नहीं है। इन बच्चों को यहाँ से इंस्पिरेशन, यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, वो पेरेंट्स हैं। ये हैं वो पेरेंट्स, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या सर? मैं हरमीत सिंह। हरमीत पाजी, आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेशनल खेला उन्होंने? हाँ जी, 4 नेशनल खेली है जी उसने। 4 नेशनल? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर यहाँ से आकर मैं देख रहा हूँ, ये ओपन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉल लेने बीच में भागता है, यहाँ से कोई नॉट करेगा, क्लिक करेगा, वो बीच में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। हमने इस चीज़ के लिए काउंसिल को काफ़ी बार इन्फॉर्म किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने काउंसिल को बताई हैं, लेकिन काउंसिल इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ये एक्चुअली जो क्रिकेट फील्ड है, ये छोटे बच्चों का फील्ड है, नेट प्रैक्टिस जो नेट प्रैक्टिस है, और छोटे बच्चों की बिलो 14 है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बच्चे आके खेलते हैं। ये काउंसिल का ग्राउंड है, काउंसिल वाले क्या करते हैं, हफ्ते में 2 बार इस ग्राउंड को बिजी कर देते हैं। हमें ये सारे टारगेट्स बच्चों को, ये कम से कम 2-2 क्विंटल के टारगेट्स हैं, ये बच्चों को उठा के साइड पे करने पड़ते हैं, फिर अगले दिन बच्चों को उठा के फिर अपने टारगेट्स लगाने पड़ते हैं। आपने कहा कि जो काउंसिल के लोग हैं वो इसको बिजी कर देते हैं। बिजी कर देते हैं, बिजी कर देते हैं, बेच देते हैं। नहीं, अब ये तो देखो काउंसिल के है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि बेच देते हैं, या उनको हायर करवाते हैं, या उनसे पेमेंट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रेगुलरली हफ्ते में 2 बार, 1 बार यहाँ क्रिकेट का मैच होता है और हमारी प्रैक्टिस बंद हो जाती है। देखिए हमारे इस वक्त 17 मेडल लाए हैं, कम से कम इस वक्त हमारे 6 बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 3 लड़कियां हैं, 3-4 लड़के हैं जो इस वक्त नेशनल लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पिछले दिनों यहाँ देहरादून में हमारे बच्चे गए हैं, जिसमें हमने कम से कम 8 मेडल लिए हैं, और किसी को नहीं पता। मैं आपको बताऊँ, ऑफिशियल में से किसी, आज तक किसी ने आगे पूछा भी नहीं है कौन कोच गया, पेरेंट्स ने कैसे अरेंज किया, हम अपने खर्चे पे गए हैं। मैं आंध्रा गया हूँ जी पिछले साल अपने बेटे को लेके नेशनल, उसके बाद पुणे गया हूँ नेशनल अपने खर्चे पे, उसके बाद हम गए हैं गोवा, ठीक है जी। मेरे बेटे ने अपना गुड़गांव में स्कूल नेशनल, CBSE स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। सर जब ये आप जब अचीव करके ये सब अर्न करके वापस आते हो तो यहाँ कुछ कोई कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं है, ये तो हमें ही पता है। हमें तो अभी तक उनके जो नेशनल के सर्टिफिकेट्स आए हैं वो भी काउंसिल के पास पड़े हुए, हमारे पास नहीं है। ये ओपन में प्रैक्टिस करना, इसको क्या माने? ये बहुत खतरनाक है जी। देखो ये किसी की जान जा सकती है, एरो है, ये एरो है, ये जब एक बार एम से, ये बो से निकल जाएगा तो बट ऑब्वियस आप समझ सकते हो ये शूट हो गया ना, ये तो गोली की तरह, गोली की तरह बिल्कुल ये लगेगा। और बहुत सारे ऐसे चांसेस हो चुके हैं कि बच्चों को हम यहाँ से आवाजें लगा के। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, उस दिन ये क्रिकेट बंद नहीं होगा, आपका प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। यस, यही होगा, हमें कह दिया जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। देखो जो आप लगातार कह रहे हो कि ये गलत है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, जो ऑफिशियल इस चीज को समझता है कि आर्चरी क्या है वो यहाँ एक बार भी विजिट नहीं करता। जो ऑफिशियल जिनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो आगे कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, ये तीर लग जाएगा जी किसी को, आप साइड पे कर लो। साइड पे हम कहाँ करें, हमें अलॉट है ये ग्राउंड तो एक्चुअली आर्चरी के लिए अलॉट हुआ ना, हमें MM स्टेडियम से यहाँ भेज दिया गया पिछले साल। लेकिन ये किसी बड़ी घटना को आमंत्रण है? बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अभी इसमें कंपाउंड, ये आप देखो बच्चे इस वक्त रिकव बो से खेल रहे हैं, ये रिकव बो जो है ये एडवांस्ड बो है इंडियन बो से आगे, ठीक है जी, और ये ओलंपिक्स में यूज हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहा है। इसकी रेंज जो है 70 मीटर्स है, अभी बच्चे जो अभी ये शूटिंग कर रहे हैं ये 20 मीटर पे कर रहे हैं, 50 पे करते हैं, फिर 70 पे करते हैं, और जब 70 मीटर तक जो है आपका एरो टारगेट को हिट करता है, और आप जाके देखो जब ये टारगेट को हिट करता है पार हो जाता है, इंसान को लगेगा तो बिल्कुल आर पार हो जाएगा सर, ये गोली की तरह लगेगा। किसी बड़े घटना को, किसी बड़े एक्सीडेंट का इंतजार हो रहा है ग्रीनफील्ड में। हालांकि यहाँ के जो कोच हैं, मैं उनसे भी बात करता, लेकिन
उनके लिए परेशानी हो जाएगी, सच बोलना उनके लिए परेशानी हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हैरान हूं मैं ये देखकर कि इस बार 17 मेडल लाए हैं इन बच्चों ने मेहनत कर कर। और इन लोगों ने कहा कि ये ग्राउंड जो है वो बिजी कर दी जाती है। बिजी का मतलब होता है पैसे लेकर आप खेल लो, या कोई बड़ा अफसर खेलने के लिए आ जाएगा तो आप साइड पे हो जाओ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेडल लाए तो क्या हुआ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इन बच्चों की मेहनत को मैंने कहा कथनी और करनी में बड़ा अंतर है आपके, आप जो कहते हो वो करते नहीं हो। ये रिपोर्ट करते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है इन बच्चों की मेहनत पर, और शर्म भी आ रही है आपकी सोच पर। शायद इस रिपोर्ट का असर आप पे हो जाए, आप नींद से जाग जाओ इससे पहले कि किसी की जान चली जाए। और जान चली जाए का मतलब ये नहीं है कि कल आके आप ये इनका गेम ही बंद कर दो, ये भी याद रखना। आपको इस ग्राउंड में से नेट प्रैक्टिस में क्रिकेट आप कर सकते, जो भी अलाउड है यहाँ पे, ये ओपन में क्रिकेट अलाउड नहीं है, ये हो रहा है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में लीगल और इलीगल में समझना, अंतर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार किसी की है नहीं है, दूर बैठे हुए लोग जो हैं उनको धुंधला दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हालांकि मेडल लेके आए हैं 17 मेडल 2023 में, लेकिन बदकिस्मती का आलम आपके सामने है। इस गेम को बंद मत करना ग्रीनफील्ड से, जो लोग यहाँ पे नाजायज खेल रहे हैं, इनके लिए बाधा बन रहे हैं, उनको हटाना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।